आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही सुंदर ये जूट का डोरमेट बनाना बताऊंगी। और ये जूट का डोरमेट जो हमारी जूट की बोरी होती है जो राइस में और गेहूं में निकलती है उसी से बनाया है। और ओनली इसमें एक बोरी लगती है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। और इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी बनकर आती है और इसकी प्रत्येक लेयर काफ़ी घनी घनी बनकर आती है। देखिए कितनी घनी घनी इसकी प्रत्येक फ्रिल काफ़ी घनी घनी बनी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन से आप रेगुलर अपडेट रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इस जूट के डोरमेट को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके के एक जूट की बोरी ले लेंगे और इसकी जो किनारी होती है उसको हम सीजर से चारों साइड से इस तरीके से कट कर लेना है। और इसको चारों साइड से आप इसमें जो भी कटा फटा अगर आपके पास बोरी है तो वो भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमें चारों साइड से ये जो किनारी है वो उसको कट कर लेना है और इस तरीके से हम इसके चारों साइड से किनारी ये ओपन कर देंगे और इसके दो पीस बना लेंगे। तो ये हमारे दो पीस अब रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हमें दो पीस कट करके और इसके चौकोर चौकोर पीस हमें कट कर लेने हैं और कट करके इस तरीके से हमें पीसेस निकाल लेने हैं। और इसकी हम आपको लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और इसकी लंबाई है 7 इंच। तो इस तरीके से हमने ये चौकोर चौकोर लंबाई चौड़ाई में काट लिए हैं और इसके हमें धागा निकालना है। तो इस तरीके से हमें धागा निकालना है, इतने सारे मैंने अभी निकाल लिए हैं। इस तरीके से हमें ये धागा निकाल लेना है इसके और बहुत ही इजी तरीके से ये हमारे धागा निकल आते हैं। अभी मैं आपको निकाल कर बताती हूँ कि किस तरीके से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम किनारी से एक धागा लेंगे और इस तरीके से बहुत ही आराम आराम से ये हमारे इस तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बस पकड़ना है। इस तरीके से खींच दिया और ये तुरंत निकल गया, ये खींच दिया और तुरंत निकल गया। इस तरीके से आपको निकाल देना है, बहुत ही जल्दी आप आराम से बैठे बैठे इसको निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, अपने आप इसमें निकलते चले आते हैं। इस तरीके से बस आप एक साइड से ये निकाल दोगे तो एक साइड से तो पहले से ही ओपन होते जा रहे हैं तो अपने आप वो पूरे खुले हैं। तो इस तरीके से हमें ये निकाल देना है। और इस तरीके के हम अपनी जूट की बोरी में से पूरी एक जूट की बोरी में से धागे निकाल लेंगे। तो बहुत सारे धागे हमारे एक जूट की बोरी में से इतने करीब निकल आते हैं। और अब हम इसकी इस तरीके से ये टेसल्स बनाएंगे। तो आपको हम बता देते हैं कि इसका टेसल्स कैसे बनाना है। इन्हीं धागों को हम इस तरीके से ले लेंगे और इसको लेकर और इस तरीके से यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। इसमें थोड़े ज़्यादा हो गए, एकदम हमें इक्वल साइज के लेना है। और ये जो ऊपर नीचे हैं इसको हम बराबर कर लेंगे और जो ऊपर थोड़े बहुत रह जाते हैं तो उसको हम बाद में सीजर से कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद और इसको हम इसी धागे से इस तरीके से एक हम ये वाला धागा लेंगे और इसको इसी धागे से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो इस धागे से हम बड़ी ईजिली हमारा ये बंध जाता है इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा टेसल्स बन गया है और इसको हम सीजर से काट देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने ये बहुत सारे टेसल्स बना लिए हैं। आपको हम दिखाते हैं कितने सारे टेसल्स बना लिए हैं, बहुत ही ईजिली और जल्दी जल्दी बनते जाते हैं। पूरी एक जूट की बोरी के आपको इस तरीके से टेसल्स बना लेने हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे टेसल्स बना लेने हैं। एक और बता देते हैं आपको बनाकर, इस तरीके से आप थोड़े से धागा इसमें से ले लीजिए और जो भी आपकी लेंथ में बड़े हों उनको आप एक से करके और एक जो भी आपके छोटे बड़े हों उनको आप थोड़ी एडजस्ट करके इस तरीके से
और यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके फिर इसको इसी धागे से हम एक धागा लेंगे और इसी धागे से हम यहाँ से इसको बांध देंगे इस तरीके से और इसमें नॉट लगा देंगे। इस तरीके से नॉट लगा देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। देखिए बन गया है हमारा प्यारा सा टेसल्स। तो इसी तरीके से बहुत सारे टेसल्स, इसी तरीके से पूरे जो हमारे धागे हैं इसके हम टेसल्स बना लेते हैं। और इसके लिए हमें एक बेस बनाना है, वो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें बेस किस तरीके से बनाना है। अब हमें इसका बेस बनाना है, तो बेस बनाने के लिए हमने इस तरीके के एक जीन्स के पैंट का इसका बेस बनाया है और इसको कट करके और इसको गोल सर्किल में इस तरीके से बीच में हमने ज्वाइंट कर लिया है। ये हमारा पैंट था जीन्स का, इसको मैंने पहले ज्वाइंट किया, फिर उसके बाद जो हमारी वो आटा मारने वाली बड़ी सी थाली होती है उसको इस पर रख कर इस तरीके की, मैं आपको बता देती हूँ, जो बड़ी सी थाली होती है जिसमें हम आटा मारते हैं उसको इस तरीके से मैंने इस पर रख कर और इसमें निशान लगा दिया है। थोड़ा हमने एक्स्ट्रा काटा है क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे किनारी फोल्ड कर देंगे, तो थोड़ा हमने इसको एक्स्ट्रा काटा है। आप इससे थाली से बहुत ही सरल तरीके से हमारा एक सर्किल बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है और इस साइड हमारे टेसल्स लगेंगे, तो हम इसी साइड से अपने टेसल्स लगाएंगे क्योंकि बैक साइड से ये दिखेगा। इस साइड तो हमारे टेसल्स लगेंगे तो यह सारा जो हमारी सिलाई दिख रही है वो लॉक हो जाएगी, तो इसी साइड से हम अपने टेसल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी किनारी को इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेते हैं, पूरी किनारी को इस तरीके से हम पूरी किनारी पर इसको सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाकर फिर इस पर अपने टेसल्स लगाना आपको बताएंगे कि वो फिर आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें टेसल्स ऐड करना है। पहले हम इस किनारी को चारों साइड से पहले फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से इसकी किनारी फोल्ड कर दी है और जो इसमें थ्रेड्स निकलते हैं वो पूरे लॉक हुए हैं। अब हमें इस पर निशान लगा लेना है, तो निशान आप उसी हिसाब से लगाइए जैसे आपकी टेसल्स की जितनी लंबाई हो उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान उससे थोड़ी आधा इंची कम लगाना है। तो ये मैंने डेढ़ डेढ़ से दो दो इंच के मार्जिन में निशान लगा रखे हैं और इन्हीं निशान को हम सर्किल में इस तरीके से घुमा के पूरे राउंड में इस तरीके से लगा देंगे। तो उसी लाइन पर रख रख के हम अपने इसमें टेसल्स अटैच करेंगे, तो लाइन से थोड़ी हमें जो हमारे टेसल्स हैं उसको लगाने में दिक्कत नहीं होती और इसी लाइन के हम सर्कल बना लेंगे इस तरीके से चारों साइड से हम घुमाते हुए और जो हमारी लाइन है उसको ड्रॉ करते हुए चारों साइड से निशान लगा देंगे। और इस तरीके से हमने ये चारों साइड से इसमें एक लाइन खींच दी है और इसी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे अपने टेसल्स लगाना। तो अब आपको बताते हैं कि हमको किस तरीके से इसमें ऐड करना है। अब हमने इसमें चारों साइड से ये सर्कल बना लिए हैं, तो इन्हीं लाइन पर हम अपने टेसल्स इसमें अटैच करेंगे। तो अब हमें टेसल्स इसकी इस तरीके से रखना है, जो हमारी पहली किनारी है यहीं से हम अपने सारे टेसल्स रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से रखकर और इन्हीं टेसल्स पर हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से एक सुई में धागा आपको डाल लेना है। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम इसको सिलेंगे और इस तरीके से हमें इसको सिलना है। ये अभी हम हटा देते हैं, ये लिया हमने और इसको इस तरीके से हमें सिलना है। इसको हम दो तीन इस पर टांके लगाते जाएंगे इस गोल गोल इस तरीके से। तो ये हमारा एक सिल गया है। अब हम जस्ट इसी के बगल पर दूसरा रखेंगे और जो भी आपके छोटे बड़े हों वो बाद में कट हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये लगाते जाना है और बिल्कुल आपको इसको एकदम सटाकर रखना है, ऐसा नहीं है कि गैप हो जाए बीच में, एकदम सटाकर हमें रखना है इस तरीके से।
हमारा पूरा डोरमेट बनकर कंप्लीट हो गया है और बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ पर हमें एक इसी का जो हमारे ये थ्रेड्स बचे हैं इन्हीं का छोटा सा एक फ्लावर बनाकर यहाँ सेंटर पर लगा देंगे तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी थोड़ा बहुत धागा एक्स्ट्रा है इसका, जैसे ये है और काफ़ी इसमें है अभी ये है, इसको हम सारे सीजर से अच्छे से फिनिश कर देंगे। और जो हमारी लेयर्स हैं उसमें धागे कुछ ऊंचे नीचे हैं, उनको भी हम सारी लेयर्स के धागे सीजर से एक से सेट मिला देंगे और जो लास्ट वाला राउंड है उसके पूरे सीजर से धागे एकदम सेट कर देंगे। और अब हम इसको फ्लावर को बना लेते हैं। तो ये मैंने धागे ले लिए हैं और इसी का एक धागा लेकर और इसी धागे से हम इस पर नॉट बांध देंगे, एकदम टाइटली नॉट हमें इस पर 2-3 बांध देना है इस तरीके से। तो ये हमने फ्लावर बनाकर और बीच सेंटर पर इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हमारा पूरा डोरमेट कंप्लीट हो गया है और फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी इसमें घनी घनी सारी लेयर्स बनी हैं। और जो भी आपकी ऊंची नीची थोड़ी लेयर्स हो उसको आप सीजर से कट कर दीजिएगा बाद में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक न्यू वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।